हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हम सभी को पता है कि 16 आनों से एक रुपया बनता था, लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि एक कन्वर्जन सिस्टम हमें आईबीसी से मिलता है जो 4500 ईयर्स से भी ज्यादा पुराना है। तो क्या इससे ये साबित नहीं होता कि ये सभ्यता कितनी एडवांस थी? लेकिन एक मिनट, इतना एडवांस होने के बाद जहां दूसरे सभ्यताएं युद्ध लड़ाई के जरिए एक्सपैंड कर रहे थे, वहीं आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लड़ाई, युद्ध या जंग का नामो निशान तक नहीं था। आखिर ऐसा क्यों और कैसे? और जहां हमें वॉर या कॉन्फ्लिक्ट का कोई सबूत नहीं मिला, वहीं हमें एक्सकेवेशंस के जरिए आईवीसी के सील्स मिले हैं, जिसके ऊपर और कोई नहीं बल्कि हिंदू भगवान शिव तपस्या में बैठे हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो क्या इसे हम हिंदुइज्म के ओरिजिन्स के रूप में ट्रेस कर सकते हैं? वेल दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आज हम जानेंगे और देखेंगे कि ये सभ्यता क्यों दूसरे सभ्यताओं से अलग और खास थी, आज के इस वीडियो में जिसका टाइटल है द यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवीसी का नाम तो हम सभी ने सुना है, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए मैं एक छोटा सा बायोडेटा दे देता हूँ। दरअसल ये सभ्यता इंडस नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे 7000 से 9000 BCE में शुरू हुई थी, जिसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन तो मानते ही हैं। और इस सेटलमेंट का कोर पीरियड जहां हमें बड़े और फैले हुए अर्बन सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो 2600 से 1900 BCE के दौरान थे। अब इसमें मोहनजोदारो और हरप्पा जैसे बड़े शहरों के अलावा 1000 से भी ज्यादा अर्बन सेटलमेंट्स थे, जो आज ज्यादातर पाकिस्तान, इंडिया और कुछ मात्राओं में ईरान और अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन सभी सभ्यता में आखिर ऐसी क्या खास बात थी जो इसे दूसरों से अलग और बेहतर दर्शाती है। आज आप टॉयलेट का काम खत्म करके फ्लश कर सकते हो, लेकिन क्या 4500 ईयर्स पहले ऐसा करने के बारे में सोचा जा सकता था? बिल्कुल, क्योंकि आईवीसी में फ्लशेबल टॉयलेट्स थे, जहां बाकी की दुनिया लकड़ी में कापूस लगाकर पिछवाड़ा साफ करती थी। जी हाँ, इंडस वैली के हर साइड पे ज्यादातर घरों में एक अलग बैथिंग एरिया के साथ एक सिटिंग टॉयलेट भी मौजूद था, जहां लोग अपना काम खत्म करने के बाद पतीले में पानी भरकर टॉयलेट को फ्लश भी किया करते थे। और इन टॉयलेट्स का कनेक्शन बाहर सड़क पे बनी हुई वाटरप्रूफ ड्रेन से कनेक्टेड था, जो गंदे पानी को शहर के बाहर डिस्पोज कर देती थी। यही नहीं, इन सभ्यता के करीब हर सेटलमेंट में सड़कों के दोनों तरफ ब्रिक लाइंड ड्रेन्स होते थे, जो पूरे शहर के सैनिटेशन को मेंटेन करते थे। और सिर्फ घर में सैनिटेशन की फैसिलिटीज ही नहीं, आईवीसी के लोगों का दिमाग इतना एडवांस था कि 4500 साल पहले ही उन्होंने प्लान्ड सिटीज खड़ी कर दी थी। पर आज इंडिया के लोगों को ऐसी एडवांस पढ़ाई करने से पहले चार बार सोचना पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक $3.10 पर डे मीडियन पॉवर्टी लाइन है, पर 60% इंडियंस 3.10 से कम में और 21% $2 पर डे से कम में जी रहे हैं। और इसीलिए मैं लेकर आया हूँ आपके या आपके बच्चों के बेहतर कल की पढ़ाई के लिए अन अकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, जो आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिलवाने के लिए साल में एक दो बार नहीं, हर संडे को टेस्ट कंडक्ट करता है, जिसमें हर संडे 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप जीतने का मौका आपको मिलता है। और इस टेस्ट को देने के लिए और स्कॉलरशिप पाने के लिए आपको सिर्फ अन अकेडमी के स्मार्ट एप्लीकेशन की जरूरत है, जहां आपको 60 मिनट्स के लाइव टेस्ट में सिर्फ 30 questions के आंसर करने होते हैं। इसमें 6th, 7th और 8th के पेपर्स की 3 categories होती है और इन सारे ही क्लास के स्कॉलरशिप टेस्ट दोपहर में 12 बजे होते हैं। इसी के साथ क्लास 9 के लिए अगर आप टेस्ट देना चाहते हो, उसकी टाइमिंग 11 AM और 10th के लिए ये टाइमिंग 1 PM रखी गई है। और ये सारे ही टेस्ट हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में कंडक्ट किए जाते हैं, जिनमें आने वाले सारे क्वेश्चंस के डिटेल वीडियो सॉल्यूशन बच्चों को टेस्ट के बाद दिए जाते हैं। यही नहीं, टॉप 25 स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मेरिट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो व्हाई वेट? इस टेस्ट को रजिस्टर करने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और मेरे कोड SET10 को यूज करके सिर्फ 3 easy steps में रजिस्टर करके इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठा सकते हो। और अब लौटते हैं आईवीसी के मोहनजोदारो जैसे बड़े शहरों पर, जहां हमें ग्रेट बाथ जैसे पब्लिक बाथ देखने को मिलते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि आईवीसी के लोग सैनिटेशन यानी स्वच्छता को बहुत ही सीरियसली लेते थे, और इसका कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी हो सकता है। ये इसीलिए क्योंकि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ग्रेट बाथ को रिचुअल्स या रिलीजियस बैथिंग के लिए भी यूज किया जाता था। इसके अलावा वो ये भी मानते हैं कि वहाँ के लोगों द्वारा पानी का सदुपयोग और स्वच्छता कहीं ना कहीं इनके रिलीजियस बिलीफ से जुड़ा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है।
पर फ्लशेबल टॉयलेट्स तो फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन उस समय बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद आखिर आईवीसी के लोगों ने ब्रिक लाइंड ड्रेनेज सिस्टम बनवाया तो आखिर कैसे बनवाया? दरअसल ये सारा कमाल आईवीसी के स्टैंडर्डाइजेशन का है, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज को मापना है, चाहे वो खरीदने के लिए हो या ड्रेन में इस्तेमाल किए गए ब्रिक्स बनाने के लिए हो, उसे आप आईवीसी का स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स यूज करके माप सकते हो। ये इसीलिए क्योंकि इन सभ्यता के हर शहर में इस्तेमाल किए गए हर एक ब्रिक के साइज की रेशियो हमेशा स्टैंडर्ड होती थी, 4:2:1। इसके अलावा कुछ साल पहले तक हमारा जो पैसों का कन्वर्जन रेट था ना, 16 अनाज = 1 रुपी, यही कन्वर्जन रेट आईवीसी में भी यूज होता था। और सिर्फ मनी का कन्वर्जन रेट ही नहीं, उनके वेट सिस्टम में 16 units = 1 वाला रेट इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें सबसे हल्के वेट का वजन 0.8 ग्राम्स था, उसके बाद 1.6, 3.2, 6.4 एंड सो ऑन। और इन सब के साथ वहां की पॉटरी, यूटेंसिल्स और सील्स भी स्टैंडर्डाइज्ड ही होते थे। इसी स्टैंडर्डाइजेशन के कारण हमें आज वहां के इतने एडवांस और सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग को देखने का मौका मिला है। अब जरा सोचिए कि 4,500 साल पहले ही वहां के लोग इनकन्वीनियंस और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के कितने मॉडर्न सॉल्यूशंस निकाल चुके थे, और इसी इनकन्वीनियंस को और कम करने के लिए इन्होंने अपने ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी इनोवेट किया। जैसे कि आज के दिन कुछ खरीदते वक्त हम उस चीज की ऑथेंटिसिटी या ब्रांड हमेशा चेक करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये सेम सर्विस 4,500 ईयर्स पहले भी आपको इस सभ्यता में मिल सकती थी, तो आप क्या सोचेंगे? Well, आप मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि आईवीसी के ट्रेडर्स का व्यापार तभी के तमाम सभ्यताओं के साथ होता था, जैसे कि एंशियंट इजिप्ट या मेसोपोटेमिया। अब वहां के लोग जब कोई इंडस वैली के शहर में बनी हुई चीज खरीदते थे, उन्हें तभी पता चल जाता था कि वो चीज कौन से शहर से आई है, क्योंकि उस चीज पे होता था उस शहर का थप्पा यानी सील। इंडस वैली के सील्स ट्रेडेड गुड्स को आइडेंटिफाई और ऑथेंटिकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा यहाँ के ट्रेडर्स ने बुलक कार्ड्स के जरिए अपना नेटवर्क दूर दूर देशों तक स्थापित किया था, जैसे कि हरप्पन सिविलाइजेशन के एक सबसे रिमोट ट्रेडिंग आउटपोस्ट के रिमेन्स आज के नॉर्दर्न अफगानिस्तान में पाए गए। अब भाई लोग, मेरे मन में ये सवाल आता है कि क्या यही सारी वजहें थी कि हमें यहाँ युद्ध, लड़ाई, झगड़े का कोई नामो निशान नहीं मिला? क्योंकि जब शहर या देश के रिसोर्सेज जंग या लड़ाई, पिरामिड्स जैसे बड़े बड़े इमारतें या प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर खर्च किया जाता है, तब समाज या लोगों की भलाई के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इंडस वैली में हमें इसका उल्टा ही दिखता है। यहाँ पर शहर के रिसोर्सेज यानी वेल्थ को सिर्फ लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में खर्च किया जाता था, जैसे कि पब्लिक वर्क्स, रोड्स, स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम, प्लम्बिंग, पब्लिक बाथ्स और फूड ग्रेन स्टोर्स। और जब इन्हीं चीजों की वजह से लोगों की जिंदगियां अच्छी थी और वो खुश थे, तो लड़ाई झगड़े के चांसेस कम हो जाते हैं ना। इसके अलावा इंडस बेसिन का वेल्थ और रिसोर्सेज इतना सरप्लस में रहता था कि एक दूसरे से लड़ने का नुकसान फायदे से हमेशा ज्यादा ही होता था। यानी सिंपल भाषा में कहें तो, जब रिसोर्सेज पे ज्यादा लोड या प्रेशर नहीं था, तब कॉन्फ्लिक्ट आएगा कहां से? लेकिन सिर्फ यही नहीं, आईवीसी का ज्योग्राफिकल लोकेशन भी कुछ ऐसा ही था कि सभ्यता के सीमाओं के दोनों तरफ दूर दूर तक और कोई सभ्यता मौजूद नहीं थी, जिसके चलते जब आपके पास भड़काऊ पड़ोसी ही नहीं है, तो आप भड़कोगे कैसे, है ना? और इसके अलावा आईवीसी का दूसरा सभ्यताओं के साथ ट्रेड रिलेशंस हमेशा से अच्छे रहे थे, जो लड़ाई झगड़े को और ज्यादा डिस्करेज करता था। और अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि शायद हमारे रिलीजन का सबसे पहला ओरिजिन भी शायद आईवीसी ही है, तो क्या आप इस बात पे मानोगे? क्योंकि आप इस सील को ही देख लो, आईवीसी का ये मशहूर सील नंबर 420, जिसपे एक मेल फिगर हॉर्न हेड ड्रेस पहना हुआ अपने हाथों को योग पोजीशन पे रख के बैठा हुआ है, और उसके चारों ओर एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर और बुल जैसे पशु है। पर क्या इसे देखकर आपको कोई भगवान याद आ रहे हैं? क्योंकि कई एक्सपर्ट्स के साथ, जॉन मार्शल जिन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में एक्सकेवेशंस किए थे, ये मानते हैं कि ये मेल फिगर और कोई नहीं बल्कि हमारे शिव भगवान है। उनके थियरी के हिसाब से ये एक अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा हो सकता है, जिन्हें इंडस वैली के लोग मानते थे, जिसकी वजह सील पर बने फिगर्स के आसपास मौजूद पशु है। और जैसे हम जानते हैं, शिवा का एक नाम तो पशुपतिनाथ भी है, यानी ये कहा जा सकता है सिंस वहां के लोग एक ऐसे भगवान को मानते थे जो पशु की रक्षा करता था, वही भगवान बाद में जाकर शिव के रूप में पूज्य बन गए।
तो क्या इसे हिंदुइज्म का अर्लीस्ट फॉर्म सिर्फ मार्शल के कहने के बाद माना जा सकता है? Well, इस पर फर्दर रिसर्च करके हमें ये पता चला है कि सील 2350 से 2000 BCE से बिलोंग करती है, जबकि शिवा का अर्लीस्ट मेंशन हमें अर्ली वैदिक पीरियड यानी 1500 से 1000 BCE में ऋग्वेद से मिलता है। इतना ही नहीं, सील का मेल फिगर और ऋग्वेद में शिव के डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी मैच नहीं करते, तो असल में ये फिगर शिव है भी या नहीं ये कहना अब मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए इस पर आज भी रिसर्चर्स काफी स्टडी कर रहे हैं, जिससे इन फ्यूचर शायद हमें इसका असली सच पता चल सके। पर हिंदुइज्म के ओरिजिन्स के कनेक्शन भले ही क्लियर ना हो, लेकिन इतना तो क्लियर है कि ये सबसे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक था, इफ नॉट द मोस्ट एडवांस्ड। लेकिन क्या आज के दिन ऐसा कुछ है जो हम 4500 साल पहले बसने वाली पुरानी सभ्यता से सीख सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि भले ही ये सभ्यता ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई और आगे जाके हमने काफी कुछ खो दिया, पर वहीं हम इसके सुपीरियर ड्रेनेज सिस्टम से काफी कुछ सीख सकते हैं, और इसका कन्वर्जन सिस्टम तो आज भी हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं। इसके अलावा जब तक इस सभ्यता के बारे में इंडियन स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने आप से खोज नहीं की, तब तक दुनिया के सामने एक ऐसा नैरेटिव बना रहा कि इंडियंस या एशियंस इन जनरल बैकवर्ड है, अनकल्चर्ड और अनसिविलाइज्ड है, जिन्हें व्हाइट मैन की जरूरत है उन्हें सिविलाइज्ड बनाने के लिए। ये नैरेटिव बना रहा इवन दो हमारी हिस्ट्री इतनी लंबी और रिच है। आईवीसी के लोग भी तो आर्यंस थे जो यूरोप से आए थे। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि इंडियंस या एशिया के लोग इतने एडवांस कैसे बन सकते हैं विदाउट आउटसाइड और यूरोपियन हेल्प। और इसी से शुरू हुआ आर्यन इन्वेजन थियरी, जिसे ज्यादातर यूरोपियन स्कॉलर्स ने अपनाया और हमारे ऑथेंटिक इंडिजिनस ओरिजिन की धज्जियां उड़ा दी। इसीलिए आईवीसी का सबसे बड़ा लेगेसी तो ये है कि इस सभ्यता ने हमें इन फॉरेन रेसिस्ट और कोलोनियलिस्ट नैरेटिव से बचाया और हमें सच की खोज करने की ज्यादा प्रेरणा दी। और अगर आपको आर्यन थियरी के बारे में और ज्यादा जानना है तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करना और आप आर्यन थियरी पर बनी वीडियो देख सकते हो। वेल, आईवीसी इतिहास में मौजूद थी और इसीलिए हम इसके लेगेसी का हिस्सा बन पाए। लेकिन क्या होता अगर ये सभ्यता कभी होती ही नहीं? क्या आपने कभी ये सोचा है? ये तो आसान है, राइट? क्योंकि अगर ये नहीं होती तो फिर पूरे दुनिया में इंडियन सबकॉन्टिनेंट फोर मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशंस में से एक होने के लिए नहीं जाना जाता। इसके अलावा जितने इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी हमें वहां देखने को मिले वो सब इफ नॉट हजारों साल में भी एटलीस्ट सैकड़ों साल पीछे हो जाते, और आर्यन थियरी जैसे रेसिस्ट और कोलोनियल नैरेटिव्स अभी तक हमारे हिस्ट्री को डोमिनेट कर रहे होते। हमें यही पता नहीं चलता कि ये वेस्टर्न नैरेटिव के अलावा एक हमारी ओरिजिनल इंडस वैली की नैरेटिव भी है, विच वुड हैव बीन रियली बैड, राइट? तो फ्रेंड्स, आईवीसी के इतने सारे खासियत देखने के बाद आपको कौन सी चीज इसके बारे में सबसे अच्छी लगी, और कौन से फैक्टर्स है जो इस बेहतरीन सभ्यता को दूसरों से और भी ज्यादा खास बनाती है? मुझे जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, और अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना। सभी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी इंडिया के रिच कल्चर के बारे में पता चले। और भूलो मत, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक कर सकते हो और रजिस्टर कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।